वीडियो में बात करने वाले हैं। एरोस्पेस जेट इंजन के बारे में बात करेंगे, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप जानते होंगे कि आने वाले दिनों में भारत के कई सारे जो फाइटर जेट के प्रोग्राम हैं वो स्टैक किए गए हैं, और उन सब को देखते हुए इस तरह के इंजन के रिक्वायरमेंट के जो नंबर है वो काफी बड़े होने वाले हैं। सो ऐसे इंजन को डेवलप करने के लिए भारत इससे पहले क्या क्या चीजें लैक कर रहा था, और अब इसको लेकर जो इनिशिएटिव है वो किस प्रकार का है, तो उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्वांटिफाई करते हैं। अगर बात करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी में, तो आने वाले तकरीबन 10 से 12 सालों में आपको 4 लाख करोड़ रुपए की जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर है वो आपको करनी है जेट इंजन पे, जो भी आपके फाइटर जेट प्रोग्राम है उनके लिए। तो ये एक बड़ा नंबर है। इसको देखते हुए भारत को कहीं ना कहीं अपने जेट इंजन प्रोग्राम को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर कावेरी इंजन की बात करते हो तो हम उसको पीछे छोड़ के आ चुके हैं, तो वो चीज रिवाइव होते हुए दिख नहीं रही है। तो कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के दरमियान जो भी टाइम लगा है उसके पीछे आप बहुत सारे जो कारण हैं वो देख सकते हो। जो सबसे मुख्य कारण है वो है भारत में जो भी इंजन टेस्ट बेड है या फिर टेस्ट रिग है उनकी कमी, यानी कि टेस्ट फैसिलिटी को लेकर जो कमी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं है। दूसरी तरफ जो मुख्य कारण था कावेरी के पीछे वो आप कह सकते हो मैन पावर की रिक्वायरमेंट, जो इनएडुकेट बताई जाती है मैन पावर कावेरी इंजन के दरमियान। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है ऐसे मैन पावर की जिनका जो एक्सपीरियंस हो वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर उस पर कोई भी रिसर्च उनकी चल रही हो, तो ऐसे मैन पावर की यहाँ पे आप बात कर रहे हो। अगर यहाँ पे चाइना से कंपेयर करते हो तो चाइना के पास इस तरह के जो मैन पावर है जिनका जो रिसर्च है वो एरोनॉटिकल फील्ड में चल रहा हो, तो उस तरह के तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा उनके पास पर्सनल्स हैं। वहीं पे स्टूडेंट की बात करोगे तो 30,000 के नंबर में जो स्टूडेंट है जिनके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग है वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। भारत से कंपेयर करोगे तो मुश्किल से जो नंबर है वो 2,000 के आसपास ही पहुँचता है, और उनमें से भी बहुत सारे IITs और IISc से जो स्टूडेंट है वो बाहर चले जाते हैं, तो ये भी एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूशन है जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा है तो उनके भी नंबर कहीं ना कहीं कम है, तो इन सभी बेसिक चीज़ों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं पर अगर आप R&D की बात करोगे तो चाइना में स्पेशली एरोनॉटिकल फील्ड में $16 बिलियन से भी ऊपर खर्च किया जाता है, जबकि भारत में यह नंबर $0.5 बिलियन के अराउंड है, जहां पर जो हमारा खर्च है वो एरोस्पेस सेक्टर में हो रहा हो। तो इन सब चीजों में काफी गैप है जो कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपको दिखता है। वहीं पे कावेरी को लेके कहीं ना कहीं जो सरकार है वो IEF को देखते हुए उतना इंटरेस्टेड नहीं है जो कि अभी करंट कावेरी था आफ्टर बर्नर के साथ, क्योंकि जो भी टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं उसमें वो 82 केन से ऊपर बढ़ा नहीं है थ्रस्ट के मामले में, जबकि इसका जो वेट है वो अभी भी 200 केजी से कम होना था आफ्टर बर्नर के साथ। यहाँ पे जो IEF की रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन 90 केन की थी। तो ये सब कुछ शॉर्ट कमिंग्स को देखते हुए जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो IEF ने भी कहीं ना कहीं जो करंट कावेरी इंजन था आफ्टर बनने वाला उसमें जो इंटरेस्ट है वो ड्रॉप किया है, और शायद यही कारण कि DRDO भी अभी सिर्फ कावेरी को UCAV के लिए देख रही है बिना आफ्टर बनने के। हालांकि कावेरी इंजन को उड़ा के देखा गया है 70 घंटे से भी ज्यादा जो रशियन IL-76 है उसमें, सो वहाँ पे जो भी टेक्निकल पैरामीटर थे वो काफी सही थे, लेकिन जो थ्रस्ट का मामला था कम होने का वो वहाँ पे भी था जब हम इसको उड़ा के टेस्ट कर रहे थे। सो ऐसे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो जो कि आप नया इंजन प्लान कर रहे हो बनाने को उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला आपका हो जाता है इंजन की डिजाइनिंग, वो आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी शुरू से ही, और इसकी जो कहीं ना कहीं कमी है वो कावेरी इंजन में आपको देखने को मिली थी, क्योंकि कावेरी इंजन में थ्रस्ट को लेके IEF की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट थी वो कुछ और थी। उसके बाद जो चॉप एंड चेंज हुए हैं तो वहां से भी जो मैटर है वो अलग गया है। सो नए इंजन को डिजाइन करते वक्त ये जो पैरामीटर है कि जो आपका डिजाइन हो वो यूनिक हो और आपका स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन हो, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेकंड फैक्टर की बात करोगे तो कहीं ना कहीं कावेरी इंजन में जो इसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट था उसने भी काफ़ी की रोल निभाया है। तो यहाँ पे इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए उसकी जो क्वालिटी है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, चाहे आपको 3D प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग को मैक्सिमाइज करना पड़े या फिर किसी भी प्रकार के जो मैन्युफैक्चरिंग के मीन्स हैं वो आपको ऑप्ट करने पड़े। लेकिन यहाँ पे एक नए इंजन के लिए जो कि हायर थ्रस्ट डेवलप कर सके आपको कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी है वो ऊपर ले जानी पड़ेगी। थर्ड जो मुख्य पार्ट होगा वो होगी हॉट कोर की टेक्निक को लेके, जहाँ पे टर्बाइन सेक्शन में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई चला जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे टेम्परेचर को हाई सस्टेन करना ही पड़ता है, साथ ही साथ जो वेट है उसको भी मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरह के आपको मटेरियल चाहिए होंगे जिनका जो वेट हो वो भी सामान्य हो लेकिन वो टेम्परेचर हायर बियर कर पाए, तो इस तरह के आपको मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ेगी, जिसको आप मेटलर्जी से ही सुलझा पाओगे। अगले पॉइंट की बात करते हो जो कि की पॉइंट है, और वो है इस इंजन की टेस्टिंग के लिए जिस भी प्रकार का टेस्ट बेड हो, चाहे वो हर तरह के विंड टनल टेस्ट लैब्स हो या फिर फ्लाइंग टेस्ट बेड हो, तो इन दोनों को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा अगर आप इस इंजन को लेकर थोड़ा भी सीरियस हो। तो आपको जो इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड की रिक्वायरमेंट है, आप हर बार अपने इंजन को टेस्ट करने के लिए कहीं और नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे इसके टेस्टिंग के लिए जिस प्रकार की भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगले फैक्टर की बात करोगे तो वो है मैन पावर को लेके।
सो इस तरह के इंजन में जो भी आपको मैन पावर डालनी होगी वो एक मिक्सचर होना चाहिए फ्रेश और एक्सपीरियंस साइंटिस्टों का, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे इस प्रोजेक्ट को क्वालिटी के साथ फास्ट ट्रैक करने में। सो इस तरह के कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं इस एंजल प्रोग्राम को इसरो की तरह ही एक अलग ही जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो देना पड़ेगा, ताकि जो फंड का फ्लो हो वो निर्धारित कर दिया जाए कि ये पर्टिकुलर फंड आपको डेडिकेट कर दिया गया है और इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड में डेवलप करने की आवश्यकता है। हालांकि ये जो मिशन मोड का फैक्टर है, ये HL के चीफ भी कह चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड में ही देखा जा रहा है, जहां पे जो कंसोर्टियम है वो बनाया जा रहा है और जल्द ही इसको लेके 2021 के शुरू में जो काम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में इस तरह का आपको जो एक इकोसिस्टम तैयार करना है एरोस्पेस को लेके, तो जो पॉइंट हम शुरू में बात कर रहे थे कॉलेज रिसर्च स्टूडेंट या R&D की, तो इन सब पे आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा करने की आवश्यकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में जो एक इस प्रकार का एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाना चाहते हो तो, क्योंकि जो एयर पावर का रोल है वो हमेशा ही क्रूशल रहने वाला है। अगर आप आज से 20 साल बाद भी बात करते हो तो जो एयर पावर का रोल है वो क्रूशल रहने वाला है। ये बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी यूक्रेन की है जो कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में स्थापित है, और इस कंपनी का नाम है JSC मोटरसाइक, और ये कंपनी एक मेजर प्रोवाइडर था इससे पहले रशिया को डिफरेंट तरह के हेलीकॉप्टर्स फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल के इंजन प्रोवाइड करने में, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल गैस टर्बाइन्स को भी मैन्युफैक्चर करने में इस कंपनी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और ये कंपनी 1907 में बनाई गई थी, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा यानी कि एक बड़ा शेयर स्टेक पे है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये कंपनी एक बड़ा शेयर बेचना चाह रही है। तो इससे पहले ये रशिया के MI और K सीरीज के जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इंजन प्रोवाइड करने का काम कर रही थी, और जो भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है Antonov के उसको भी ये इंजन प्रोवाइड करती है। लेकिन 2014 में रशिया द्वारा क्रीमिया के क्राइसिस के बाद यूक्रेन ने वहाँ की सभी कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिए थे कि वो रशियन मिलिट्री या फिर रशिया को किसी भी प्रकार का कोई भी वेपन या इक्विपमेंट नहीं बेचेंगे, और जिसकी वजह से एक बड़ा खामियाजा इस कंपनी को भुगतना पड़ा, क्योंकि इसका एक मेजर मार्केट रशिया था और वो अचानक से बंद हो गया, जहां पे इसके प्रॉफिट में गिरावट आई। और अब ये नौबत आ चुकी है कि ये कंपनी अपना तकरीबन 50-55% तक शेयर बेचने को तैयार है। हालांकि आपको बता दूं 2014 के क्रीमिया क्राइसिस के बाद US भी यूक्रेन को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ अगर आप देखते हो चाइनीज कंपनी बोगुस्लेविया ने 2016 में इसी कंपनी में JSC मोटर्स में तकरीबन 14% शेयर्स इन्वेस्ट किए थे, और यही चाइनीज कंपनी JSC मोटर्स में अपने स्टेक को बढ़ाना चाह रही है और उसे एक कंट्रोलिंग नेचर का बनाना चाह रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं US भी कंसर्न्ड है कि अगर चाइनीज इस कंपनी में एक बड़ा स्टेक ले लेते हैं तो इस कंपनी के जो भी कटिंग एज इंजन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो क्रूज मिसाइल की क्यों ना हो, वो चाइनीज के पास पहुंचेगी, और वो अपने जो भी क्रूज मिसाइल है या फिर जो भी उनकी अभी इंजन टेक्नोलॉजी है तो उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए US के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था और इस कंडीशन को एक कंसर्निंग कंडीशन बताई थी, जो कि US के साथ साथ जितने भी नेटो के देश हैं उन सब के लिए एक कंसर्निंग कंडीशन है अगर इस कंपनी में एक मेजर स्टेक चाइना रखता है तो। हालांकि दूसरी तरफ US यूक्रेन को ये सजेस्ट कर रहा है कि वो कुछ ऐसे स्टेप ले जिसकी वजह से वो नेटो के अंदर आ सके, और ये तब पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर इस कंपनी में एक मेजर स्टेक चाइनीज कंपनीज का आ जाएगा तो। तो इस चीज को देखते हुए बहुत सारे डिफेंस विशेषज्ञों का मानना ये है कि एक तरफ कावेरी इंजन को रिवाइव करने के लिए हमने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और अब भी साफरान हमें M88 के कोर के लिए और भी पैसे खर्च करने को कह रहा है, तो इतने पैसे इधर खर्च करने से अच्छा है कि इंडिया को इस कंपनी के जो भी स्टेक्स हैं वो खरीदने चाहिए, और एक कंट्रोलिंग स्टेक लेके आप कावेरी इंजन को सिर्फ रिवाइव ही नहीं कर पाओगे बल्कि अपने फ्यूचर के जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए भी, और वहीं पे इस कंपनी का जो पहले एक्सपोर्ट मार्केट था जैसे कि रशियन मार्केट वो भी ओपन हो जाएगा अगर इसमें कंट्रोलिंग स्टेक इंडियन कंपनीज का होता है तो। और इस कंपनी के शेयर्स अगर कोई इंडियन कंपनी एक कंट्रोलिंग स्टेक के रूप में खरीदती है तो उससे ना ही रशिया को प्रॉब्लम होगी और ना ही US को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि US ऑलरेडी इंडिया को सपोर्ट करेगा, वो नहीं चाहता कि इस कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक चाइनीज कंपनी का हो। तो टेक्निकली ये इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अभी भी इस पे इंडिया की तरफ से किसी भी प्रकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आना बाकी है कि